हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सोच रही थी आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो मेरे पास कल का मैं मार्केट गई थी तो मैंने रखा हुआ था ये मक्का, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं मक्के की चरपा रोटी जो होती है वो मैं बनाती हूँ नाश्ते में। ये बहुत ही हेल्दी होता है, सभी को इसको खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े लोग भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखने में जितना सिंपल लगता है ना गाइस, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है, गर्मी का तो बिल्कुल पूछा ही मत सबको ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं चरपा रोटी बनाने की रेसिपी। और ये अपने जो नॉर्मल रोटी होती है उससे डिफरेंट होती है और बहुत टेस्टी होती है। तो इसके पहले सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मक्के के जितने भी छिलके हैं मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी में कैसे करना है कंटिन्यू। और इस टाइप से हम सारे छिलके को निकाल लेंगे। गाइस, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने ट्राईपॉड ले लिया है, तो ट्राईपॉड लेने से मेरी जो कुकिंग की जो रेसिपी है ना उसको शूट करना बहुत आसान मेरे को हो गया है। तो थैंक यू फ्लिपकार्ट। गाइस, अब क्या करना है, बाउल में हम सारे मक्के के जो दाने हैं ना वो निकाल ला लेंगे। इस टाइप से ये सारे दाने देखें, स्टेप्स इसको हम निकाल लेंगे। और अगर आपके नेल्स बड़े नहीं हैं और आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप नाइफ की भी हेल्प ले सकते हैं, इससे इजीली निकल जाता है। तो इस टाइप से हम लोग सारे निकाल देंगे। इस टाइप से सारा सब कुछ निकाल लेंगे। गाइस, जब तक इसको मैं आराम से बैठ के छिलूंगी तब तक मैं क्या करती हूँ, इसमें चावल भी लगता है, तो मैं क्या करती हूँ आधा कटोरी जो चावल है इसको मैं धुलकर और थोड़ा भीगने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने इसमें डाला और मैं इसको धुल लेती हूँ और इसके बाद इसको अपन रख देंगे भीगने के लिए। और इस टाइप से हम इसको पानी डाल के थोड़ी देर के लिए 10 से 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये भीग जाए तो इसको फिर पीसना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसको हम रख देते हैं, जब तक मैं क्या करती हूँ ये मक्के को छील लेती हूँ आराम से। गाइस, ये मैं थोड़ा देसी हिसाब से बनाती हूँ चरपा रोटी। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ कि मैं सिलबट्टे का यूज़ करूँ, तो अभी मम्मी मेरी जो है वो सिलबट्टे पे पीस रही हैं। मैं सिलबट्टे पे इसलिए नहीं पीस पाती कि मेरे साथ थोड़ा सा मेडिकल इशू है, इस वजह से मैं झुक के कोई काम नहीं कर सकती हूँ अभी, तो इसलिए मेरी मम्मी पीस रही हैं ये मक्के को पहले पीस रहे हैं। और इसको दरदरा पीसना है। इसको ग्राइंडर में भी हम पीस सकते हैं, बट जब हम ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, तो वो टेस्ट अच्छा वाला टेस्ट बिल्कुल कुरकुरा वाला नहीं आ पाता इसमें। तो आप कोशिश करिएगा अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप इसी को ही यूज़ कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सारे मक्के को पीस लेंगे। हम दो लोग हैं तो उसके हिसाब से मैंने 3 मक्के लिए हुए थे और आधी कटोरी चावल ली हुई है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से पीस जाता है। इसको हम पूरी तरह से पीस लेंगे। और मैं एक ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरे को कौन सी प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, जिससे कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ झुकके वाला, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वीडियो मैं बनाऊँगी इसके लिए। और इसी तरह से हम लोग चावल को भी पीस लेंगे। गाइज, अब ये देखिए मक्का पीस गया है, अब हम लोग इसी में ही चावल पीस लेंगे साथ में, क्योंकि हमें मिलाकर ही वो रेसिपी बनानी है, तो हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे और इसको दरदरा पीसेंगे अपन। तो महीना बहुत मत करिएगा, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। गाइज, इसमें ही हम लोग हरी मिर्च धुला हुआ है सारा सब कुछ, इसमें भी हम हरी मिर्च पीस लेंगे। ये बहुत कम तीखा है इसलिए मैंने 4-5 हरी मिर्च लिया हुआ है। और हरी मिर्च के साथ साथ ही इसमें हम इस तरीके से हम इसमें हरी मिर्च पीस लिए हैं। इसी सिलबट्टे का एक सबसे अच्छा ये होता है कि इसी पे सारा सब कुछ पीस लो और इसी पे सारा सब कुछ मिला भी लो, तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। सिलबट्टे का मतलब पुराने ज़माने में यूज हुआ करता था। हाँ, ये भी लहसुन को भी हम पीस देंगे। और लहसुन मैंने एक जो पोटी होती है ना उसको छिला है और 1 इंच का अदरक लिया है। अदरक ज़्यादा नहीं डालना मैंने, बहुत थोड़ा ही अदरक मैंने यूज़ किया है। और इस टाइप से लहसुन और अदरक मैंने पीस लिया है टाइप से। अब इस पे ही हम प्याज भी ले लेंगे और प्याज को भी हम बकायदे इसमें पीस लेंगे। और सिलबट्टे का जो पिसा हुआ कुछ भी हो, चटनी हो या मसाले हो, कुछ भी होगा, इतना मज़ा आ जाता है खा के, बिल्कुल मज़ा। जो हमारा जो देसी है ना उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो देसी चीज़ें हैं ना उनमें जो स्वाद होता है ना
कहने को नहीं, अगर ग्राइंडर आ गया है लेकिन आप उसमें कुछ भी बनाओ ना, आपको उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना अच्छा आप सिलबट्टे पे बना कर टेस्ट ले लोगे। तो इस तरह से हमने ये प्याज भी पीस लिया, लहसुन भी हो गया, अदरक भी हो गया, इसी पे हमने मिर्च भी पीस ली और अपना मक्का भी पीसा, चावल भी पीसा। अब अपन को क्या करना है, इसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने, सिर्फ धनिया अपन सॉरी जीरा पीसना है इसमें, इस पर ही हम लोग जीरा भी पीस लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा जीरा ले लिया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ चम्मच जीरा मैंने इसमें यूज़ किया है। गाइज अब इसमें ही हम हल्दी भी ऐड कर देंगे, सिलबट्टे पे ही सारी चीज़ें हम मिला देंगे। पीस दो मम्मी इसको भी। ये हो गया आपका हल्दी, गाइज देखिए ये पीस के बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसी में हम नमक भी मिला लेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा मैंने नमक मिलाया है, हाफ चम्मच बिल्कुल, फिर इसको टेस्ट अपना एक बार टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसमें नमक मिला लेंगे। अब गाइस ये नमक मिल गया, क्योंकि कितनी भी महंगी से महंगी सब्जी हो, कुछ भी हो, नमक के बिना उसका टेस्ट अधूरा होता है या वो सब्जी अधूरी होती है। तो हमने तो नमक मिला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा डालेंगे धनिया, बारीक कटी हुई धनिया, हमें धनिया मिला दो इसी में ही, इस टाइप से ये पूरा धनिया हम मिला देंगे इसमें। धनिया क्या करता है ना, टेस्ट को दुगना कर देता है, तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। अब हम बनाने चलते हैं चरपा रोटी, तो आइए स्टार्ट करते हैं चरपा रोटी बनाना हमारा, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको सेकने जा रहे हैं तवे पे। और गाइस इस तरीके से हमने तवा ले लिया है, अब मैं इसको गर्म होने के लिए रखती हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम इस पर स्टार्ट करेंगे अपनी रोटियाँ बनाना। सबसे पहले तवा जब गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों का भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको जो तेल अच्छा लगता हो टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सरसों नहीं पसंद है, मतलब मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है, वो रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हम तेल इसमें ऐसे करके फैला देंगे, थोड़ा सा जब तेल गर्म होगा, तेल की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, हम इसको ऐसा वापस करके इस पर ऐसे तेल निकाल लेंगे जिससे कि तेल कम रह जाए हमारा इस पर। और अब क्या करेंगे, तवा हमारा गर्म हो गया है, तेल भी हल्का सा गर्म लग रहा है मुझे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको फैला देंगे। इसको हम फैला देंगे और जब थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं फैल रहा तो इसको हम हाथ से आराम से फैला सकते हैं, हल्का सा हाथ को पानी में डिप कीजिए और इस टाइप से इसको फैला दीजिए, थोड़ा पतला हो जाएगा तो वो अच्छे से पक जाएगा अंदर तक, अदरवाइज वो फिर अच्छे से पकता नहीं है। और इस टाइप से हमने इसको फैला दिया है इस टाइप से। अब आंच क्या करेंगे, बिल्कुल धीमी कर देंगे इसको इस तरीके से, और इसको क्या करना है, हमें कोई प्लेट लेना है या थाली लेनी है, कोई प्लेट या थाली जो इसको पूरी तरह से कवर कर सके, इसको ऐसे हम कवर कर देंगे जिससे कि वो अच्छे से एकदम पक जाए, और थोड़ी देर हम इसको वेट करेंगे, इसके बाद हम इसको पलट के चेक करेंगे कि पका है कि नहीं पका है। एक दो सेकंड के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये मतलब जो हमारा रोटी है वो जले ना, एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हम इसको पलट दिए हैं और इस टाइप से ये आराम से पक रहा है, तो थोड़ी देर हम और ढक के रख देते हैं जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, फिर इसको पलटेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं। और गाइस ये देखिए इस टाइप का ये सिक चुका है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, पलटती हूँ, किनारे किनारे से आप निकाल दीजिएगा जिससे ये आसानी से पलट जाए, और इस तरीके से मैं इसको पलट दिया मैंने। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी और कितना धीमी आँच पर पका हुआ, वाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम इसी टाइप से इस साइड भी सेक लेंगे धीमी आंच पे, इसको कड़ी आंच नहीं करना, अदरवाइज ये क्या होगा, पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, बाकी ये भी जो बैटर हमारा है इसकी भी इस तरह से हम रोटियां बना लेते हैं, इसको हल्का हल्का ऐसे ब्रश कर देंगे ना तो अच्छे से ये पक जाएगा, और आँच बिल्कुल धीमी, और ऐसे ही हम इसको और बना लेते हैं गाइज। और गाइज इसी तरीके से मैं एक दूसरा भी बना लूँगी अपना चरपा रोटी, और इस तरह से मैं तेल इसमें तवे पे फैला दिया है मैंने वापस से,
और इस पे मैं अब बैटर को डाल दूंगी और इस टाइप से हम इसको फैला देंगे। अब पूरी तरह से इसको फैलाने के लिए हम वापस से हाथ को पानी में डिप करेंगे और इस तरीके से हम तवे पे इसको फैला देंगे। ये देखिए इस टाइप से ये पूरा फैल गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि फर्स्ट वाली रोटी हमेशा ख़राब हो जाती है, दूसरी वाली उससे बेटर बनती है? गाइज़ ये देखिए अभी रेडी हो गया है चटपटा रोटी मेरी। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको खा के बताती हूँ कि टेस्ट इसका कैसा लग रहा है, और आप लोग भी घर में इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। इसके सामने चीला तो बिल्कुल फीका पड़ जाता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। गाइज़ अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उस पर लाइक किया करिए। ऐसा एक सिंबल बना होता है, उसको प्रेस करना होता है, तो और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए। और जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ उसमें प्लीज़ आप कमेंट्स भी किया करिए, और मेरे अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। थैंक यू सो मच।